अच्छा वो जिंदगी और अब जिंदगी जो है ये उसमें कितना कितना चेंज है? तीन चेंजेस तुम बताओ मुनीब जिंदगी में। शादी के बाद ऑब्वियसली लाइफ जो है आपकी चेंज हो जाती है एज अ, अगर आप शौहर की बात करें तो शौहर जब एक लड़का बनता है कुंवारे बन से निकलता है तो ऑब्वियसली उसमें उस पर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं और उसको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ता है, बहुत मुहतात होना पड़ता है क्योंकि हर एक्शन जो है वो आप उसकी लाइफ के ऊपर उसका रिएक्शन आएगा आएगा उसका, तो आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ते हैं और टॉल। मैं तीन चीज़ें अक्सर कहता हूँ लोगों को कि शादी अगर आपने कामयाब बनानी है तो तीन चीजें हैं, सैक्रिफाइसेस, कॉम्प्रोमाइजेस एंड टॉलरेंस। बर्दाश्त करना है आपने लाजमी, क्योंकि सारी जो वो वाली चीजें कह दी, डराने वाली, कोई एक अच्छी चीज नहीं है इसमें, कोई डराने वाली, ये तो मतलब कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस, टॉलरेंस। कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस और टॉलरेंस के बगैर कोई भी शादी चल नहीं सकती, क्योंकि जब आप दो माँ के दो डिफरेंट जो औलादे होती हैं जब वो साथ आते हैं एक घर में तो बहुत सी चीजें आपको नहीं समझ आ रही होती हैं एक दूसरे की, दोनों की वहाँ पे आपको अपनी ख्वाहिशात को मारना है, वहाँ पे आपको अपनी मैं को मारना है और कॉम्प्रोमाइज आपने सामने वाले की कुछ बातों को भी मानना है और टॉलरेंस ये कि अगर कहीं तौलिया मैंने छोड़ दिया गीला तो एमन को वो बर्दाश्त भी करना है। तो ये एमन की जिंदगी में उसने तो कह दिया टॉलरेंस, सैक्रिफाइस एंड कॉम्प्रोमाइज। तो एमन से मैं पूछूं तो क्या चेंजेस हैं तीन लाइफ में? आई थिंक शादी के बाद थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके बाद अमल के बाद आई थिंक मेरी ज़िंदगी ज़्यादा चेंज हुई है। उसके बाद आई थिंक अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग है, फिर हमारी एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग होती है। और तुम अगर तुमसे मैं पूछूं तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक मेरा तो ये जवाब बिल्कुल ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी।